नेहा तिवारी का लाइव तो देखा और लगता है उनके भाई ने मेरी वीडियो को देख लिया है जो अभी लेटेस्ट मैंने उनके ऊपर डाला था। तभी लाइव में आके कह रहे मैं कैसा भाई हूँ वगैरह वगैरह। देखो भाई, आज जो मेरी वीडियो देख के आपको ये चीजें आई हैं कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं या हम साथ में हैं, काश आपके अंदर से ये चीजें आई होती तो आज बात ही कुछ और होती। खैर, आई होप कि जो रिश्ता आप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं भाई बॉन्डिंग, भाई बहन की बॉन्डिंग वाली, असलियत में भी ऐसा ही रिश्ता हो। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद नहीं भी हो तो रियलिटी में ऐसा रिश्ता हो जाए जैसा आप सोशल मीडिया पे खुद को प्रिटेंड कर रहे हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता श्रुत रिएक्शन। यहाँ पे आपके फेवरेट ब्लॉगर्स और ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज के रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, उनपे कमेंट भी करना और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो गाइस, एक चीज तो यहाँ पे नेहा तिवारी बेवकूफी कर रही है कि सामने वाला तुमको बदनाम करके चला गया, तुम्हारे चैट्स को एक्सपोज किया, तुम्हें इतनी बुरी तरह से सोशल मीडिया पे इंसल्ट किया, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई और इतना सब करने के बाद अब सामने वाला कहता है कि अब हमें कुछ भी नहीं बोलना क्योंकि उसको हर तरफ से गालियां पड़ने लगी और कहीं ना कहीं सामने वाला भी डर गया कि वो भी अपना पक्ष रखेगी। तो यहाँ पे तुम तो सीधे सीधे साफ मना कर दी कि मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहती। भैया, ऑडियंस तुम्हारा पक्ष सुनना चाहती है। अगर तुम इस तरीके से बोल रही हो कि मुझे भी कुछ बात नहीं करनी, आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ऑडियंस है उसके मन में यही चीज रह जाएगी हमेशा के लिए कि तुम गलत हो। शायद जितने लोग तुमको देखते हैं देखना बंद कर देंगे क्योंकि हर इंसान इस आश्रय में है, इस ताक लगाए बैठा हुआ है कि तुम आकर अपना पक्ष रखोगी और चीजें बताओगी क्योंकि सामने वाला को सब कुछ समझ में आ चुका है कि हमारा बेटा साइको है, इसी के पीछे भागता है। तो अगर तुम अपना पक्ष रखोगी तो सामने वाले को डर है कि ये भी कुछ ऐसी चीजें बताएगी। तो समझ रही हो कि तुम यहाँ पे कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हो कि तुम किसी को कुछ नहीं बोलना चाहती, इस मैटर पे बात नहीं करना चाहती, पहले की तरह सब कुछ करना चाहती हो जो कि ऑडियंस को ये चीजें अंदर हजम नहीं होगी। और ऊपर से आपने कमेंट्स तक को टर्न ऑफ करके रखा है कि ऑडियंस ये तक अपनी ओपिनियन आपको नहीं दे पाएगी और आपको ये तक पता नहीं चल पाएगा कि ऑडियंस आपसे क्या चाहती है। एक चीजें तो इन्होंने आज बहुत अच्छा करा, अपने ऑडियंस से इन्होंने माफी मांग ली, पूरे सोशल मीडिया पे ऑडियंस ने इनको माफ भी कर दिया क्योंकि गलतियां हर इंसान से होती है और ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी क्योंकि देखो गलती दोनों साइड से थी और ये कोई पहली लड़की नहीं रही होगी, कोई पहली औरत नहीं रही होगी जिसका किसी शादीशुदा मर्द के साथ अफेयर था। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग थे और कितने सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जो दो पति पत्नी के बीच में आए हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए अरमान मलिक का ही, कृतिका मलिक भी बीच में आई है और चाहे वो सनी राजपूत हो, वो तो तीन तीन चार चार शादियां पता नहीं क्या ही करता है। तो सारे ये बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बीच में आए हैं, ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताया, यही है कि उन लोगों की शादी हो गई तो उनको इज्जत मिल गई, इसकी शादी नहीं हुई क्योंकि इसने खुद ने नहीं करना पसंद किया तो ये बेइज्जत हो गई, बस फर्क इतना ही है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये जो राज परिवार है ना, जैसे ही नेहा का लाइव आया इन लोगों ने अपना ब्लॉग बना बना के रेडी रखा था कि एक दो घंटे बाद डालेंगे, जैसे ही नेहा का लाइव आया वैसे ही धड़ाक धड़ाक इन लोगों ने अपने वीडियोस को डाल दिया उसी वक्त कि ऑडियंस जाए वहां और उसका दिमाग ना पलटे, तुरंत तुरंत मेरे पास आ जाए। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी? इस चीज को मैं बहुत पहले से नोटिस करती आ रही हूँ कि जब भी हम लाइव करते हैं कुछ भी उसके बारे में बोलने के लिए, मतलब जो विपक्षी है जो नेहा का साथ देके लाइव वाइव करते हैं, जिस वक्त करते हैं उसी वक्त ये लोग आते हैं लाइव करने, उसी वक्त इनका कोई वीडियो भी पड़ता है ताकि ऑडियंस उधर ना जाए हमारे तरफ आ जाए, आधी ऑडियंस उधर जाए तो आधी ऑडियंस इधर भी रहे। ये इन लोगों का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी चल रहा है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है प्लीज इस चीज को ऑब्जर्व करके देखना क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, क्योंकि हर लाइव जब भी कोई हम लाइव करते हैं तो ये प्रिंस कभी लाइव आ जाता है, कभी अलका लाइव करती है तो उनके घर का खानदान का कोई लाइव आ जाता है, आज नेहा लाइव कर रही थी तो दो लोगों का वहां पे तुरंत तुरंत से वीडियो डल गया कि भैया ऑडियंस आ जाओ। तो ये तुम लोग कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हो भाई, इससे क्या हो जाएगा? मान लो ऑडियंस उस वक्त तुम्हारे तरफ आ गई, फिर अगले ऑडियंस जाके उसका पक्ष भी सुन के आएगी, तो ऑडियंस का अपना ये कॉमन सेंस नहीं है, वो अपना कॉमन सेंस आराम से लगा लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी जो लाइव का टाइटल इन्होंने दिया है नेहा आशीष तिवारी ने कि मेरा सामना करना जरूरी है, तो बिल्कुल आपका सामना करना जरूरी है
और ऑडियंस आपका पक्ष सुनना चाहती है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आपने माफी मांगी दुनिया से और सिर्फ अपनी ऑडियंस से माफी मांगी। एक नई जिंदगी शुरुआत करने की आपने जो चीजें सोची है, ये बहुत ही अच्छा ख्याल है, क्योंकि हर चीजों को भूल के इंसान आगे बढ़ता ही है। बहुत सारे आपके लाइफ में मुझे लगता है उतार चढ़ाव आए हैं, चाहे अपना पति खोना हुआ या फाइनेंशियली मतलब चीजों से गुजरना हुआ और आज ये बहुत बड़ा जो ड्रामा हुआ, तो बहुत सारे आपने फेस को पार करा है और इस पे तो एक स्टोरी बन सकती है और कभी आप तो एक ब्लॉगर हैं, कभी ऐसी स्टोरी बन भी सकती है आपके ऊपर। बाकी ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि हर चीज को भूल के आगे बढ़ना, लेकिन उससे पहले अपना पक्ष ऑडियंस के सामने भी रखना, क्योंकि जिस तरीके से आपने ऑडियंस से माफी मांगी तो आपका पूरा पूरा फर्ज बनता है कि उनको अपना पक्ष भी सुनाओ, ठीक है। तो ऑडियंस ये बात जानना चाहती है। बाकी ऑडियंस आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।